हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन एंड फिट ओवर द ईयर। माई सेल्फ मनोरमा पांडे एंड टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सेकेंड लेसन 6। द नेम ऑफ लेसन इज द नॉटी शेफर्ड, इट मीन्स शरारती शेफर्ड, भेड़िया वाला। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाउ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ लिटिल शेफर्ड इन अ विलेज, एक गांव में एक छोटा शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मीन्स चरवाहा या भेड़िया चराने वाला। ही टुक हिज फ्लॉक ऑफ शीप अप द हिल, वो अपनी भेड़िए के झुंड को पहाड़ी के ऊपर ले गया। द शीप ग्रेज्ड देयर, जो भेड़िया थी वहाँ पर चरने लगी। ही सैट ऑन अ हिल एंड लुक्ड एट द फ्लॉक, वो वहाँ पर बैठ गया और भेड़िए के झुंड को चरते हुए देखने लगा। ही डिड द सेम थिंग एवरी डे, वो यही काम रोज़ करता था। वन डे अ मिस्चीफ्स थॉट केम टू हिज माइंड, एक दिन उसके दिमाग में एक शरारत आया। ही स्टूड अप द हिल एंड क्राइड लाउडली ओल्फ ओल्फ हेल्प हेल्प, उसने कहा, ओल्फ आया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राई, जो गांव के निवासी थे उसकी आवाज़, उसकी चिल्लाहट को सुनकर, दे रैन अप द हिल, वे दौड़कर हिल पर पहाड़ी पर आ गए। एज दे केम अप द फाउंड, दे फाउंड द लिटिल शेफर्ड लाफिंग, वो वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो लिटिल शेफर्ड था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। देयर वॉज नो वोल्फ, वहाँ पर भेड़ नहीं था। दे बेंट बैक टू देयर फील्ड्स, और वे वापस अपने खेत को लौट गए। द लिटिल शेफर्ड एंजॉयड दिस ट्रिक, और जो लिटिल शेफर्ड था वो इस तरीके से बहुत ही इंजॉय किया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ही प्लेड द सेम ट्रिक अगैन, और कुछ दिन बाद उसने दोबारा इसी तरीके को अपनाया। ही स्टूड अप द हिल एंड क्राइड लाउडली, वो चढ़ जाता था हिल पर, पहाड़ी पर, और चिल्लाता था, हेल्प हेल्प ओल्फ ओल्फ। द विलेजर्स लेफ्ट देयर वर्क एंड रेस्ट अप द हिल, जो गांव के निवासी थे वो अपने कामों को छोड़कर और हिल की तरफ दौड़कर आते थे। दे फाउंड नो वोल्फ बट हिज शीप ग्रेजिंग ग्रास पीसफुली, वो क्या पाते थे कि वहाँ पर ओल्फ तो नहीं होता था, बल्कि जो भेड़िया होती थी वो आराम से घास चरती थी। द विलेजर्स आस्क्ड द बॉय, गांव वालों ने पूछा बॉय से, बच्चे से, कि वेयर इज द वोल्फ, वोल्फ कहाँ है। द लिटिल शेफर्ड लाफ्ड, लिटिल शेफर्ड हंसा, हा हा हा, आई हैव मेड अ फूल ऑफ यू, मैंने आपको मूर्ख बना दिया। द विलेजर्स वर एंग्री, जो गांव वाले थे वो नाराज़ हुए। दे रिब्यूक्ड हिम एंड बेंट बैक, उन्होंने उस बॉय को डांटा और वापस चले गए। इट वॉज ग्रेट फन फॉर द शेफर्ड, ये बहुत ही आनंददायक था लिटिल बॉय के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ वोल्फ रियली केम टू अटैक हिज फ्लॉक, एक दिन क्या हुआ कि सचमुच वहाँ पर भेड़ आ गया और उसकी भेड़ियों पर हमला कर दिया। द लिटिल शेफर्ड वॉज स्कैर्ड, जो लिटिल शेफर्ड था वो बहुत ही डर गया। ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग टू सी द वोल्फ, भेड़ को देख कर वो कांपने लगा। ही क्राइड, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, ओल्फ ओल्फ हेल्प हेल्प। द वोल्फ किल्ड अ लैम, और जो वोल्फ था वो एक भेड़िए के बच्चे को मार डाला। ही केप्ट ऑन क्राइंग, वो चिल्लाने लगा, ओल्फ ओल्फ हेल्प हेल्प। द विलेजर्स हर्ड हिम क्राइंग, जो गांव वाले थे उसको रोते सुने,
They thought that the boy was again playing a trick for his amusement. गांव वालों ने सोचा कि जो लड़का है वो दोबारा फिर से मनोरंजन के लिए कोई दूसरा गेम खेल रहा है. No villagers came to help him. और वहाँ पर कोई भी गांव वाले उसकी मदद के लिए नहीं आए. The wolf killed 4 of his sheep and took them away. उस भेड़ ने उसके 4 भेड़ियों को मार डाला और आगे ले गए. The little shepherd was full of remorse for having fooled the villagers. और जो little shepherd था उसको बहुत ही पछतावा हुआ गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए. He cried, वो रोने लगा, over his sheep killed by the wolf. वो कहने लगा कि मेरी भेड़ियाँ भेड़ के द्वारा मारी गईं. तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हर वक्त हर समय पर मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में उस लिटिल शेफर्ड की तरह ही पछताना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इन. सी यू अगेन विद नेक्स्ट लेसन. टिल देन, गुड बाय.